तो एमसीयू का फ्यूचर क्वांटमेनिया से तो डिसाइड हो ही जाएगा और जो मूवीज डिले हुई हैं वो भी अच्छी बात है। पर आज मैं बात करने वाला हूँ स्पाइडरमैन की, क्योंकि स्पाइडरमैन फैंस के लिए बहुत कुछ आने वाला है फ्यूचर में। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4, जो अपन लोग को अवेंजर्स गैंग डायनेस्टी से पहले ही देखने को मिल जाएगी। नो वे होम की एंडिंग के बाद टॉम का ये फ्रेश स्टार्ट होगा एकदम नए पर्सन की तरह। और हाँ, जो लोग सोच रहे हैं कि उसके पुराने फ्रेंड्स को वो किसी भी तरह याद आ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नो वे होम के नए पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जा चुका है कि पीटर तो अब फोटोज तक में एग्जिस्ट नहीं करता, और ये मेरे हिसाब से काफी डार्क चीज है। तो तुम ऐसा मान लो कि जो नेक्स्ट स्पाइडरमैन जर्नी होगी वो उसके अकेले की होगी। लेकिन ये बात भी है कि अवेंजर्स मूवी आने से पहले उसकी सिर्फ एक ही मूवी आएगी, और एमसीयू और सोनी दोनों चाहेंगे कि उस मूवी में उसका फेट डिसाइड हो जाए, कि वो सीक्रेट वॉर्स के मेन हीरोज में से एक कैसे बन पाएगा। और मेरे दोस्त, ये पॉसिबल होगा वेनम की वजह से, क्योंकि स्पाइडरमैन का वेनम बनना ये सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स का एक बहुत ही ज्यादा बड़ा पार्ट था। तो अब क्योंकि वेनम एमसीयू में भी आ चुका है, तो स्पाइडरमैन 4 होगी तो ग्राउंडेड ही, पर वो डायरेक्टली कनेक्ट होगी सीक्रेट वॉर्स से। और हाँ, सोनी इन मार्वल मूवीज के डिलेस का फायदा उठाते हुए स्पाइडरमैन 4 जल्दी लाने का सोचेगा। और दूसरी है मैडम वेब मूवी। तो तुम ऐसा मान के चलो कि ये कैरेक्टर अपनी एक सोलो मूवी तो डिजर्व करता ही है। पर अब बात करते हैं कि मॉर्बियस के फेलियर के बाद भी सोनी इतनी सारी चीजें क्यों बना रहा है। तो मेरे दोस्त, एक्चुअली मॉर्बियस का कचरा खुद सोनी ने ही किया था। पहले उनका प्लान कुछ और ही था, लेकिन नो वे होम के हिट होने के बाद प्लान चेंज कर दिए ससुरे। लंबे चौड़े रीशूट्स हुए और उन्होंने कटी पट्टी जैसी भी बनी मॉर्बियस रिलीज कर दी। पर अब वो समझ चुके हैं कि अपना खुद का अकेला यूनिवर्स बनाना फायदे का सौदा नहीं है, तभी तो केविन फाइगी से सजेशंस ले रहे हैं। और मैडम वेब मूवी इनका टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि मैडम वेब सीक्रेट वॉर्स में भी काम आ सकती है, क्योंकि ये ससुरी सोनी की डॉक्टर स्ट्रेंज है ऐसा मान लो। इसके जरिए अमेरिका चावेस से भी बेटर रास्ता है मल्टीवर्सल ट्रेवल करने का, और वो है मैडम वेब की वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी। लेकिन 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 खबरों के मुताबिक मैडम वेब मूवी में दूसरे स्पाइडरमैन का भी कैमियो हो सकता है, जैसे कि टोबे का या फिर एंड्रयू का। तो तुम ऐसा मान के चलो कि स्पाइडरमैन फैंस के अच्छे दिन आने वाले हैं। और देखो, इससे होगा क्या कि अपने जेरेड लीटो को भी एक और चांस मिल जाएगा। यार बंदा अच्छा है, क्योंकि देखो जैसे रैन रेनॉल्ड्स ने पहले डीसी में इज्जत गंवाई, फिर एक्समैन में, तब जाके उसे एक अच्छी डेडपूल मूवी मिली। तो व्हाई शुड डेडपूल हैव ऑल द फन, अपने जेरेड लीटो को भी मौका मिलना चाहिए ना। और देखो, एक और सॉलिड रीजन ये भी है कि अगर सोनी स्पाइडरमैन मूवीज बनाता है एंड्रयू को लेकर, तो वो पक्का डार्क होगी और उस मूवी में मॉर्बियस परफेक्टली बैठेगा, अगर अगर स्क्रिप्ट अच्छी हुई तो। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट और है, मार्क वेब को ही वापस लेना मूवी डायरेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आपने दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 और 2 देखी है, तो तुम भी ये समझते होगे कि वो बंदा स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को एक्चुअल में समझता है। अब ऐसा लगा जिसके नाम में ही वेब है, वो स्पाइडरमैन को तो समझेगा ही ना। उन दो मूवीज की स्टोरी कैसी भी हो, लेकिन एंड्रयू से ज्यादा स्पाइडरमैन की फील कोई भी नहीं दे पाया, चाहे वो गुंडों के साथ कंटिन्यू मजाक करना हो, एक मकड़ी की तरह छत पे चिपके रहना हो, या फिर एक चीज जो आजकल एमसीयू मूवीज खो चुकी है, और वो है ग्राउंडेड होना, जहां वो बच्चों को बस बचाता नहीं है पर उनसे बात करता है, उनके काम में इंटरेस्ट दिखाता है, उन्हें इंस्पायर करता है और पैदल उन्हें घर छोड़ने जाता है। और उसके बेहतरीन डायलॉग्स, ग्वेन के साथ उसका कनेक्शन, इवन ग्वेन को आज तक का सुपर हीरो मूवीज की बेस्ट गर्लफ्रेंड बना दिया। तो मार्क वेब एग्जीक्यूशन में बहुत अच्छा है, तो एक अच्छी स्टोरी के साथ उसी डायरेक्टर को वापस ले आना चाहिए। और दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 तो हमको पक्का मिलेगी, लेकिन हमें तो 4-5-6 पूरा यूनिवर्स चाहिए, कुछ तरीका है भीख मांगने का। और रही बात टोबे मैग्वायर की, तो जैसे मोस्ट प्रोबेबली वुल्वरीन आया है, वैसे ही वो भी दोबारा आएगा, लेकिन बस सीक्रेट वॉर्स के लिए एक आखिरी गुड बाय होगा उसका। तो अब फाइनली मैडम वेब मूवी सोनी की आखिरी उम्मीद है खुद का स्पाइडर वर्स खड़ा करने की, और टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 तो मिलेगी ही अपन लोग को। तो गाइस, ये था आज का वीडियो जहाँ पे मैंने आपको स्पाइडरमैन मूवीज का फ्यूचर बताया। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।